हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पोकेमोन यूनाइट में मिलने वाले सारे फ्री पोकेमोन्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले पोकेमोन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पिकाचू। ये पोकेमोन आप लोगों को गेम स्टार्ट होने के साथ ही मिल जाता है। ये पोकेमोन ऑलरेडी सबके पास होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करें फ़ायदा है नहीं, इसलिए इस पोकेमोन को स्किप करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में। नेक्स्ट पोकेमोन का नाम है जरोरा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है पोकेमोन यूनाइट का। ये पोकेमोन आप लोगों को गेम के जरोरा मिशन वाले इवेंट ऑप्शन में मिलता है। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस पोकेमोन को अनलॉक कर सकते हैं। इस पोकेमोन को अनलॉक करने के लिए आप लोगों को 32 बैटल्स को विन करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को पोकेमोन यूनाइट पसंद है तो आपने इसे ऑलरेडी अनलॉक कर लिया होगा। ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। अगर हम लोग इसे दूसरे पोकेमोन से कंपेयर करें तो आप लोग इसकी मदद से मैच को काफ़ी आसानी से जीत सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पोकेमोन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पोकेमोन के बारे में। तो इसे अनलॉक करने के लिए आप लोगों को इवेंट में न्यू इवेंट मिशन पार्ट 4 में जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक टास्क मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को 24 बैटल्स में अटैकर रोल का यूज़ करना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इस वाले टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सिल्वियन मिल जाएगा, लेकिन ये टेम्परेली होगा। मतलब आप लोग गेम में सिल्वियन को बस 3 दिन तक ही यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद सिल्वियन आपके पोकेमोन लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा, फिर आप लोग इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इसे परमानेंटली यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसे शॉप से बाय करना पड़ेगा, तो ये आप लोग इसे परमानेंटली यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लोग इसे इवेंट के थ्रू क्लेम करेंगे तो ये आप लोगों के पास बस कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। तो ये एक नुकसान है, लेकिन आप लोग इसे इवेंट के थ्रू फ्री में कुछ दिनों के लिए अनलॉक कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पोकेमोन। अब बात करते हैं फोर्थ पोकेमोन के बारे में। फोर्थ पोकेमोन को अनलॉक करने के लिए आप लोगों को इवेंट्स में पंकी मैसेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप लोग 70 पंकिंग्स के बदले एक पोकेमोन को क्लेम कर सकते हैं। इस पोकेमोन का नाम है ग्रीडेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है, आप लोग इसे फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। ये इवेंट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द इसे अनलॉक करना पड़ेगा। इसे अनलॉक करने के लिए आप लोगों को ढेर सारे पंपकिन की जरूरत पड़ेगी, और गेम में आप लोग ढेर सारे पंपकिन आप लोग इसी इवेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को डेली लॉगिन का ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप लोग ढेर सारे पंपकिन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे अनलॉक कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, आप लोग इसे जरूर से ट्राई आउट करना चाहिए। तो ये था हमारा फोर्थ पोकेमोन। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पोकेमोन के बारे में। तो हमारे फिफ्थ पोकेमोन का नाम है ग्रीनिंजा। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाटर टाइप पोकेमोन है पोकेमोन यूनाइट का। इसे अनलॉक करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को बस डेली लॉगिन करना पड़ता है। आप लोगों को लगातार 14 डेज तक डेली लॉगिन करना पड़ेगा। इससे आप लोगों को ग्रीनिंजा 14 डे में मिल जाएगा, आप लोग इसे डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप लोग ग्रीनिंजा जैसे पावरफुल पोकेमोन को फ्री में ले सकते हैं। ग्रीनिंजा के साथ एक और पोकेमोन है जो हमें 8 दिन लॉगिन करने पर मिलता है। इस पोकेमोन का नाम है सिंडरेस। ये भी काफ़ी पावरफुल फायर टाइप पोकेमोन है, आप लोग इसे फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। आप लोगों को बस लगातार 8 दिन डेली लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को सिंड्रेस फ्री में मिल जाएगा। तो ये थे सारे पोकेमोन्स जिन्हें हम लोग पोकेमोन यूनाइट में फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।